हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड 360 में। आज बात करते हैं HDFC के क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में HDFC नेट बैंकिंग आपको टाइप कर लेना है, चाहे आप लैपटॉप पे और फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो पहला ही लिंक मिलेगा नेट बैंकिंग का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और फिर जैसे ही आप करेंगे तो ऐसा पेज आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। और फिर यहाँ पर अपना पिन यानी कि पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद और ये नीचे टिक करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके अकाउंट का समरी जो है वो शो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई देगा। आपके कार्ड नंबर के 4 डिजिट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और आपको यहाँ पर आपके जो ट्रांजेक्शन है वो आप यहाँ पर व्यू करके देख सकते हैं। तो हमने अब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हमें फ़िलहाल एक्टिवेट करना है अपना क्रेडिट कार्ड, तो इसलिए हमको यहाँ पर जो एक कार्ड सर्विस है क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट जो दे रखा है आपको, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर इंस्टेंट पिन जनरेशन आपको ये क्लिक करना है। आप जैसे इसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट ए कार्ड, आपको यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। और कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर 4 डिजिट पिन ऑफ योर चॉइस, आप अपने यहाँ पर 4 डिजिट का पिन डाल सकते हैं। और री एंटर अपना आपको यही री एंटर करना है, आपको जो आपने स्टार्टिंग में डाला है वही यहाँ पर डालना है पिन, और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखा दिया जाएगा। और फिर कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके चलना है। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, आपको ये OTP डाल देना है दोस्तों। डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे तो कंटिन्यू करने के बाद क्रेडिट कार्ड पिन जनरेशन तो ये दोस्तों आपका सक्सेसफुली हो गया है, और ये मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेशन कर सकते हैं।